गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत है आपका अकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरू करेंगे ड्रिलिंग ऑपरेशन। ओके, चलिए। तो आज हमारा ड्रिल का फर्स्ट सेशन है। तो आज हम बेसिकली यहाँ पर ना ड्रिल के, गुड इवनिंग अब्दुल, चलिए तो मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गुड इवनिंग गौरव, आई विल गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। ओके, माय सेल्फ आदित्य पाल। ओके, एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT दिल्ली, ओके, इन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल। ओके, इंडस्ट्रियल एंड ऑलमोस्ट आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस इन गेट इन ESE फील्ड। तो चलिए ड्रिलिंग का आज बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा टूल की ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और टूल की ज्योमेट्री के साथ साथ फिर हम कल यहाँ पर मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। गॉट इट? एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पेशल क्लास में आप जब अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में आते हैं तो यहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल स्टार्ट कर दिया है। ओके, और इंडस्ट्रियल की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग चाहें तो आप लोग आ सकते हैं इंडस्ट्रियल की स्पेशल क्लास के अंदर। ओके, इंडस्ट्रियल की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे असाइनमेंट मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। ओके, AWSIGN असाइनमेंट मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। और अभी चल रहा है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। तो एकदम फ्री क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस में कोई कॉस्ट नहीं है, तो आप आ सकते हो और इसे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ड्रिल का टूल है, राइट? ऑल यू आर वॉचिंग दैट ऑन योर स्क्रीन, देयर इज अ ड्रिल टूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि भाई इस पोर्शन को आप यहाँ पे क्या कहते हो, दिस पोर्शन। ओके, दिस पोर्शन इज व्हाट, ये जो पोर्शन है आपका यहाँ पे क्या है, गॉट इट? इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, या अगर मैं आप सभी से पूछूं तो इस पोर्शन को आप क्या कहोगे। ओके, और यहां से लेके यहां तक, ओके, पूरा जो ये ड्रिल है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री को समझेंगे, ठीक है, साथ में बने रहिएगा। और जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं तो प्लीज रिप्लाई करिएगा। ओके, तो आपकी स्क्रीन के सामने है ड्रिल का टूल, सभी को दिख रहा होगा आई होप। तो गाइज, ये जो आप ड्रिल का टूल देख रहे हैं ना, इसमें जो आप ये कैविटी देख रहे हो, ओके, इसमें जो आप यहाँ पे कैविटी देख रहे हो, कौन सी कैविटी, ये जैसे मैंने यहाँ दिखाई है, तो अगर मैं यहाँ दिखाऊं, ये कैविटी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या है गाइस, दिस इज व्हाट, ये क्या है, फटाफट बता दो, ये क्या है आपका, बेसिकली ये कैविटी क्या है आपका, बताइए। ये कैविटी है बेसिकली आपकी क्या, हेलिकल ग्रूव्स, ओके, आपकी फ्लूइड्स, जहां से आपका जो चिप होगा, ओके, यहां से आपका जो चिप होगा वो बाहर आएगा, और कटिंग फ्लूइड इसी हेलिकल फ्लूइड्स की मदद से क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हो ड्रिल टूल का एक हेलिकल फ्लूइड है, आई होप ये क्लियर होगा, हो गया होगा सबको। अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं तो आप देख रहे हो कि ड्रिल की बॉडी को ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जी हाँ, दो पार्ट में, एक होती है इसका शैंक और एक होता है इसका बॉडी, ठीक है। यहां पर एक होता है इसका शैंक, जस्ट अ मिनट, यस, यहां पे ड्रिल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो होता है इसका शैंक जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ये यहां से लेके यहां तक, ये होता है बॉडी, गॉट इट, बॉडी,
तो अभी मैं आपसे शेंग की बात करूंगा, ठीक है। आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा होगा या आप यहां भी देख रहे हो, जो शेंग है वो एक तरीके से टेपर बॉडी दिख रही है आपको, इस तरीके से सबको दिख रहा है, ये एक टेपर बॉडी है ना। तो ये जो शेंग है ना, जैसे कि आपको यहां भी दिख रहा होगा, ये इस तरीके से टेपर बॉडी है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से टेपर बॉडी है। यहां भी आप देख सकते हो ये शेंग इस तरीके से यहां पे क्या है, टेपर बॉडी। तो ये जो शेंग है ना गाइस, ये शेंग आपके इस ड्रिल के चक में जाता है। ये क्या है आपका, ये ड्रिल चक है, दिस इज ड्रिल चक, ठीक है। इस ड्रिल के चक में जाके ये शेंग क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। तो गाइस शेंग क्या होता है, शेंग एक तरीके से अपर सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है आपके ड्रिल का, जो कि आपके शेंग, जो कि आपके ड्रिल के चक में जाके ग्रिप हो जाता है, ओके। और यहां से ही, अंदर से ही उसको पावर दी जाती है, रोटेशन की, ड्राइविंग की पावर दी जाती है इस शेंग के पोर्शन को। समझ में आया, इतना सबको क्लियर है, यस यस और नो करते जाओ। तो आपका यहां पर जो शेंग है वो क्या है, ये आपके ड्रिल के चक में जाता है, ये टेपर पोर्शन पूरा है ना, जो पूरा आप देख रहे हो, ठीक है। और ये जाके आपके चक में फिक्स हो जाता है और यहां ग्रिप हो जाता है, और फिर अंदर से इसको रोटेशन के लिए पावर दी जाती है। गॉट इट। अभी बेटा मैं ज्योमेट्री समझो, है ना। अभी चक की भी अपनी अपनी टेंडेंसी होती है, यहां पे जो आपका अंदर जाके फंसेगा ना, वो होता है आपका टैंग। समझ में आ रहा है गौरव त्रिपाठी, अब वो होता है आपका टैंग, तो आगे समझाऊंगा। टैंग की वजह से अंदर जाके आपका ये फिक्स हो जाता है। अभी इसकी बेसिक ज्योमेट्री समझो आप गौरव, ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री समझो। चलो, तो आपको यहां समझ में आया शेंग। अब देखो गौरव, जो मैं आपसे कह रहा था टैंग, ये जो आपका टेपर पोर्शन के ऊपर जो आप ये देख रहे हो, ओके, ये अभी अभी आपने देखा, ये टेपर पोर्शन था, है ना, ये टेपर पोर्शन, ये तो शेंग का एक पार्ट हो गया टेपर। अब शेंग का ये एक और पार्ट होता है टैंग, ये एकदम आपका फ्लैट सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। जैसे अगर आपने स्क्रू ड्राइवर देखा हो, यहां से स्क्रू ड्राइवर एकदम फ्लैटेंड सरफेस होता है, एकदम फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। और ये जो आपका शेंग का जो पोर्शन है ना टैंग, ये जाके ड्रिल के चक के अंदर एंड पे एकदम फिक्स हो जाता है, और इसको टैंग को पकड़ के रोटेट कराया जाता है, ताकि पूरे ड्रिल के टूल को क्या किया जाए, रोटेट कराया जाए। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये जो टैंग है ये क्या है, ये एक तरीके का एकदम चपटा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, इस तरीके का ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख रहे हो, ये है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर टैंग। और इसके नीचे ये आपका टेपर पोर्शन होता है शेंग का, है ना, ये शेंग का आपका टेपर पोर्शन था, ठीक। और ये जाके अंदर आपके ड्रिल के चक में टैंग फंस जाता है, और यहां से हम इसको पावर ट्रांसमिट करते हैं, और ये जो ड्रिल का टूल है यहां से क्या करता है, रिसीव करता है, और आपकी पूरी रोटेशन को ट्रांसमिट करता है ड्रिल के टूल के अंदर। बोलिए, इतना सबको क्लियर आ गया समझ में, यस और नो बेटा, यस और नो, और लाइक भी करते जाओ, लाइक वाइक नहीं करते हो तुम लोग, हाँ देख तो लेते हो, बढ़िया बेटा। फ्लैटेंड होता है, स्क्रू ड्राइवर देखा है सौरभ, स्क्रू ड्राइवर देखा है, स्क्रू ड्राइवर का जो पोर्शन होता है, ये देखो ये दिख रहा है यहां पर टैंग, स्क्रीन पर टैंग दिख रहा है, ये देखो ऐसा है आपके सामने, आपके सामने ये देखो, इस तरीके से ये फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है, ये एकदम आपका ड्रिल का टूल है, ये देखो इस तरीके से ये फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है, स्क्रू ड्राइवर का आगे से इस तरीके से चपटा जो पोर्शन होता है, ओके सौरभ। चलिए, तो यहां पे हमारा ये टैंग, तो आई होप आप लोगों को टैंग समझ में आ गया होगा। आज मेरा पूरा फोकस ना ड्रिल की ज्योमेट्री समझाने में है, ठीक है, ड्रिल की ज्योमेट्री समझाने में, इसके एंगल समझाऊंगा, ड्रिल की ज्योमेट्री समझाऊंगा, और कल हम करेंगे इसका कैलकुलेशन, मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन, क्लियर। चलिए, तो टैंग सबको क्लियर हो गया। अब आप देख रहे हो यहां, ये तो हो गया शेंग, है ना, और ये हो गया नीचे वाला पोर्शन बॉडी। शेंग और बॉडी के बीच में आप एक पोर्शन देख रहे हो, इसे नेक कहते हैं, ठीक है। जैसे आप सपोज करो, ये आपका जो शेंग है वो तो हो गया आपका हेड एक तरीके से, ठीक है, और ये हो गई आपकी नेक, और ये हो गया आपका लोअर पोर्शन चेस्ट, हाँ ये टांगे हो गई, ये हाथ हो गया, ठीक है। तो ये बॉडी का नीचे वाला हिस्सा हो गया, और ये नेक के ऊपर बॉडी का आपका ये वाला हिस्सा हो गया,
बीच में क्या आई? नेक। बीच में क्या आई? नेक आई। ठीक, यहां देख रहे हो जो नेक है, इस नेक को जानबूझ के, इसका जो डाया है, आपके इस शेंक के डाया से अगर आप कंपेयर करोगे, इस शेंक के डाया से अगर कंपेयर करोगे या आपके इस बॉडी के डाया से अगर कंपेयर करोगे तो नेक के डाया को बहुत कम रखा जाता है। देखिए यहां पर अगर आपके शेंक का जो डाया है, लेट से शेंक का जो ये डाया है, लेट से क्या है D2, आपके नेक का जो डाया है, ये देखो नेक का जो डाया है, लेट से D3, और जो आपकी ये बॉडी का डाया है, लेट से व्हाट, आपका D1। आप देख रहे हो जो नेक का डाया है, दैट इज D3 इज लेस देन D1, D2। ठीक है, ये बहुत जानबूझ के रखा जाता है, इंटेंशनली रखा जाता है, और इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है, पता है क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि अगर आपका ड्रिल का टूल फेल हो तो वो नेक से फेल हो, इसका बॉडी से फेल ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बॉडी से फेल ये नहीं होना चाहिए। कारण देखो, कारण ये है कि सपोज करो ये आपका वर्कपीस है ना, ये आपका वर्कपीस है, और ड्रिल का टूल अगर ड्रिलिंग करते हुए अगर आप ये नेक ना देते, आप सीधा इस तरीके का बना देते, ये हो गया टैंक और ये हो गया इसका शेंक और ये सीधी हो गई क्या बॉडी। ठीक है, आपने यहां पे नेक नहीं दिया और ये सीधा ड्रिल करते हुए गया, और जैसे ही रोटेशन के अंदर आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट लाइक बोल्ट, पहले समझ तो लो सौरभ, बोल्ट और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, यहां पे जैसे ये ड्रिलिंग का टूल आपका ड्रिल करने नीचे जाएगा और जैसे रोटेशन की वजह से इस पे लोड आएगा तो हो सकता है इसकी बॉडी यहां से क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और आपका पूरा का पूरा ड्रिल टूल तो गया, साथ में जो होल बना वो भी खराब। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस लोड अगर आपके ड्रिल के टूल के ऊपर रिक्वायर्ड से, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर लोड आएगा तो यहां पे इस बार हम क्या करेंगे, इसकी नेक को फेल करेंगे। जैसे मैं आपको यहां पे समझाता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से, 10 मिनट मैं एक फ्रेश स्लाइड ले लेता हूं, उसमें आपको समझाता हूं। ओके, देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। देखो अगर सपोज करो आपने ये नेक ना दिया होता, है ना, ना दिया होता, सिर्फ ये टैंग होता, ये टेपर पोर्शन होता, है ना, और नीचे आपका ये बॉडी होता। ठीक है, ये देखो, और यहां पे ये फ्लूट होती बस। ठीक, अगर इस तरीके से होता और अगर आप यहां पे ड्रिलिंग कर रहे होते तो ड्रिल के ऊपर अगर इसके रिक्वायर्ड से ज्यादा लोड आएगा तो ड्रिल का टूल यहां से टूट सकता है अंदर। ठीक, बट अगर आप यहां पे नेक दे दोगे तो देखो यहां पे कितना फायदा होगा, देखना भी आप, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पर ये मैंने, ये रहा टैंक, ये रहा इसका टेपर पोर्शन, और ये रही इसकी नेक, और ये रहा नीचे बॉडी। ठीक है, अब देखो अगर यहां पे ये ड्रिल का टूल कटिंग करने जाएगा और अगर लोड इसके ऊपर ज्यादा बढ़ेगा तो इसकी बॉडी फेल नहीं होगी, इसकी क्या फेल होगी, नेक फेल होगी। तो आप आराम से इस ड्रिल के टूल को निकाल सकते हो। अब यहां फेल होता तो ये अंदर फंस जाता ना, ये अंदर फंस जाता, इसलिए नेक को क्या बनाया जाता है, छोटा बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आया वाई D3 इज लेस देन D1, D2। यस और नो, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आपको, कि हमेशा आपके नेक को क्यों छोटा बनाया जाता है, क्यों स्मॉल बनाया जाता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहां आप लोगों ने नेक समझ लिया, अब यहां पे फ्लूट समझते हैं, हेलिकल जो आपका प्रोफाइल होता है उसको समझेंगे। ये देखिए गाइस, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमने नेक को समझ लिया, नेक क्या था, इट सेपरेट्स द मेन बॉडी फ्रॉम द शेंक। ऑब्वियस है, ये नेक देखो मेन बॉडी को शेंक से सेपरेट कर रहा है और नेक का डाया आपका छोटा होता है, नेक का डाया D3 इज लेस देन D2, D1। अब यहां पे अगर मैं फ्लूट की बात करूं, फ्लूट मतलब हेलिकल ग्रुप, जो आप ये ग्रीन कलर का देख रहे हो ना, जो आप यहां पे ये ग्रीन कलर का देख रहे हो, ये ग्रीन कलर, ये फ्लूट्स है ना, हेलिकल फ्लूट्स, ये आपकी बॉडी ड्रिल के टूल में बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, एक तरीके से जो चिप आपका बनता है उनको क्लीयरेंस देती है, मतलब वो आपके बाहर निकल सके कटिंग ऑपरेशन के दौरान।
ठीक। और साथ में जो आपका कटिंग फ्लूइड होता है ना, जो आपका यहां पे कटिंग फ्लूइड होता है उसको अंदर जाने दे, ठीक। तो ये हेलिकल फ्लूइड्स का क्या है यहां पर काम है। आगे चलते हैं, यहां तक आई होप सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। यस, चलिए, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं था। अब एक और चीज होती है यहां पर, और वो होता है लैंड या मार्जिन। आप ये देख रहे हैं ऊपर ये ग्रीन कलर का, सबको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन के ऊपर सबको दिख रहा है लैंड मार्जिन, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है सबको, यस और नो? अरे बताइए, यस और नो? इसे हम कहते हैं लैंड मार्जिन। जी हां, जहां पर हेलिकल फ्यूट खत्म होता है, जैसे अगर मैं आपको रियल टूल में दिखाऊं तो देखें, ये रहा आपका ये रियल टूल, ठीक है, ये रहा आपका ये रियल टूल। तो जहां पर आपका ये हेलिकल फ्लूइड इस तरीके से खत्म हुआ है ना, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये है लैंड मार्जिन। थोड़ा और ब्राइट कलर लिया जाए, ये देखिए, ये है, अरे नहीं, येलो कलर लेते हैं लैंड मार्जिन के लिए, ठीक है। ये देखिए, आप सभी लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर ये देखिए, ये तो हो गया आपका फ्लूइड, ये हो गया फ्लूइड, ये हो गया फ्लूइड, फ्लूइड। अब देखो लैंड मार्जिन दिखाता हूं यहां पर, ये है बेटा लैंड मार्जिन, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, ये है लैंड मार्जिन। ये जो येलो कलर वाली स्ट्रिप बनाई है मैंने, इसे कहते हैं लैंड मार्जिन, लैंड या मार्जिन, ठीक है, लैंड या मार्जिन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लैंड या मार्जिन। दिख गया सबको, दिस इज व्हाट लैंड, और यू कैन से अ मार्जिन, गॉट इट गाइस, दिस इज व्हाट लैंड और यू कैन से मार्जिन, ठीक है। यही था आपका वो लैंड और मार्जिन, हल्का सा टेपर सरफेस जो मैं यहां भी आपको दिखा रहा था, ये देखिए जो मैं आपको यहां दिखा रहा था, दिस इज, यहां से जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन यहां दिखाया गया है, दिस इज लैंड मार्जिन। क्लियर? यस गाइस, थोड़ा विजुअलाइजेशन क्लियर हो रहा है, थोड़ा विजुअल दिख रहा है अब आपको इसको ड्रिल के अंदर, ठीक। चलिए, अब मैं आता हूं इसके नीचे वाले पोर्शन पे, यहां पर कौन सा, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो। अच्छा, ये जो व्यू देख रहे हो ना आप ड्रिल टूल का, ये फ्रंट व्यू है, ये ड्रिल टूल का फ्रंट व्यू है, लिखा भी हुआ है मैंने यहां पे, फ्रंट व्यू है ये, ठीक। अब मैं इसका नीचे वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाता हूं, ये है ना, ये देखिए, देखो बेटा यहां पे आपकी ये कटिंग लिप क्या होती है, कटिंग लिप होती है ये, मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे रेड कलर से मार्क करने जा रहा हूं मैं, ये होती है कटिंग लिप, दिस इज कटिंग लिप, ठीक है, दिस इज व्हाट, कटिंग लिप, गॉट इट, दिस इज कटिंग लिप, गॉट इट, ये होती है आपकी कटिंग लिप। क्या है ये, कोनिकल पार्ट होता है जो आपके ड्रिल टूल के बॉटम में प्रेजेंट होता है, दिस इज कटिंग लिप, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे फ्लैंक की बात करूं तो देखो फ्लैंक क्या होता है, यहां पे फ्लैंक होता है आपका एक टेपर सरफेस, ये जो आप देख रहे हो ये फ्लैंक है, ये फ्लैंक है। अगर मैं इसको यहां पे थोड़ा सा कलरफुल कर दूं, ये दिखेगा नहीं तो मुझे लेना पड़ेगा ग्रीन, नहीं तो ब्लू, ये देखो, ये इस तरीके से टेपर सरफेस होता है, इस तरीके से ये होता है टेपर सरफेस, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लैंक, देखा ये फ्लैंक, ये टेपर सरफेस होता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो यहां देखिएगा, ये जो आपकी तरफ झुका हुआ है पेपर, ये जो आपकी तरफ पेपर झुका हुआ है ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये है फ्लैंक, जो पेपर आपकी तरफ झुका हुआ है, दिस इज व्हाट, फ्लैंक, गॉट इट। और एक हिस्सा जो मेरी तरफ झुका हुआ है, ये पीछे वाला है ना, ये तो आपकी तरफ है, ये आपकी तरफ है, और ये मेरी तरफ है, देखिए जब मैं इसको इस तरीके से रोटेट करूंगा तो मेरी तरफ वाला फ्लैंक आ गया आपकी तरफ, और आपकी तरफ वाला फ्लैंक आ गया मेरी तरफ। तो यहां पे आप देख सकते हो कि दो फ्लैंक होंगे, एक फ्लैंक जो मेरी तरफ है, अब देखिए वापस रोटेट करूंगा, ठीक है, ये जो आपकी तरफ टेपर्ड है और मेरी तरफ जो इंक्लाइंड है आपकी तरफ इंक्लाइंड है, वापस देखिएगा, ये देखिए आपकी तरफ आ गया ये टेपर और एक मेरी तरफ टेपर आ गया। तो ये होता है आपका फ्लैंक, मतलब यहां पे दो फ्लैंक होंगे, क्लियर? सो गाइज, दिस इज व्हाट, दिस इज योर फ्लैंक, दिस सरफेस इज व्हाट, फ्लैंक, ओके। तो यहां पे फ्लैंक हम सभी को समझ में आ गया होगा कि ये टेपर सरफेस क्या है, फ्लैंक है,
Clear. So it is the surface of the drill which extend from the cutting lip, okay, to the following fluid. कहने का मतलब क्या है? ये आपकी वो surface है जो कि आपके इस cutting fluid, cutting lip से extend होती हुई कहाँ तक जाती है? ये fluid तक जाती है. ये जो देख रहे हो guys, यहाँ से ये fluid start है. ये जो आप देख रहे हो ना हरे कलर का जो curvature है, ये जो हरे कलर का curvature है, ये क्या है? ये fluid है. ये आपका जो फ्लैंक है ये कटिंग लिप से स्टार्ट होते हुए आपके इस फेस की तरफ जाती है और यहां से ये कटिंग लिप था. यहां से जैसे ही आपका मटेरियल कटेगा, जैसे ही मटेरियल यहां पे कट डाउन होगा तो वो कहां जाएगा? कटने के बाद वो इस फेस के थ्रू बाहर चला जाएगा. ठीक है, कटने के बाद आपका वो जो चिप है उस फेस के थ्रू क्या बाहर चला जाएगा ऐसे घूमता हुआ. ठीक, तो जैसे आप यहां पर एक फेस देख रहे हो ना, ऐसे ही गॉट इट. देखो जैसे आपने यहां ये देखा फेस, इस फेस के पीछे इसका फ्लैंक था. ध्यान से देखना, ये देखो ये फ्लैंक आपकी तरफ है और एक फेस आपको जो दिख रहा है, दिख रहा है सबको? यस और नो बोलो. ये फ्लैंक आपकी तरफ है और ये जो आपको दिख रहा है ये फेस है और ये झुका हुआ जो सरफेस है ये फ्लैंक है और ये क्या है? ये फेस है. ठीक है, और यहां से चिप आपकी ऊपर जा रही है जो आपको दिख रहा है. अब जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो इस फ्लैंक के पीछे इसका फेस होगा, इस फ्लैंक के पीछे इसका फेस होगा और इस फेस के पीछे आपका इसका फ्लैंक होगा. ठीक है, जैसे मैं रोटेट करने जा रहा हूं ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, देखो जो फ्लैंक मेरी तरफ था वो आपकी तरफ आ चुका है. ठीक है, और जो फ्लैंक आपकी तरफ था वो मेरी तरफ आ चुका है और ये फेस जो आपकी तरफ था एक मेरी तरफ है और इसका फेस जो पीछे था, ये देखो इसका फेस ऐसे था, ये फेस इसकी तरफ आ चुका है. मतलब यहां पे आपके कितने फ्लैंक होंगे? दो फ्लैंक होंगे. कितने फेसेस होंगी? दो फेसेस होंगी. कितने लिप्स होंगे? दो लिप्स होंगे. ये जो लिप देख रहे हो ना इसके पीछे इसका फेस है और इस लिप के इस तरफ वाला फेस आपको दिख रहा है. बोलो समझ में आया आप सभी लोगों को? इतना समझ में आया बताइए, यस और नो? इतना समझ में आया सभी को बताइए. एक फ्लैंक और इस फेस के पीछे वाला इसका फ्लैंक, तो कितने फ्लैंक हो गए? दो. और जो फेस आपको यहां दिख रहा है तो इस फ्लैंक के इसके पीछे, इस फ्लैंक के इसके पीछे इसका फेस होगा, तो दो फेस. और एक कटिंग एज जेरी, एक कटिंग एज जेरी, तो दो कटिंग एज. ठीक, अच्छा फेस पता है क्या है? ये वही है, हेलिकल फ्लूइड का ही पोर्शन है. ये ऊपर जाके जब ऐसे ट्विस्ट होगा, ये फेस जब ऊपर जाके ऐसे ट्विस्ट होगा तो ये हेलिकल फ्लूइड बन जाएगा. बेसिकली फेस का ऊपर की तरफ एक्सटेंड करोगे तो यही आपका फ्लूइड का शेप ले लेगा हेलिकल, जहां से आपका कटिंग चिप बाहर जा रहा है और कटिंग फ्लूइड अंदर आ रहा है. ठीक है, ठीक है सर, ये डबल हेलिक्स. अरे पहले इतना तो समझ लो महाराज, और क्या यहां पे एक फेस अपना ये हेलिकल बना रहा है, एक दूसरा भी तो फेस होगा, तो यहां पे दो फेसेस है. पहले बेसिक तो समझो सौरभ, यहां पे दो फेसेस है, समझ में आया? यहां पे दो फेसेस है, दो फ्लूइड्स है. अब बेसिक समझो, यहां पे अभी आपकी दो फ्लूइड्स है. क्लियर, इतना बेसिक पहले समझो, फिर हम धीरे 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 करते करते ऊपर जाएंगे, है ना? क्लियर है? हाँ चलो, तो इतना मैंने आपको बताया. तो ऐसा है, यहां पे कटिंग लिप, ये रही कटिंग लिप, है ना? ये कटिंग लिप, ये देख रहे हो, दिस इज कटिंग लिप, ये देख रहे हो, ये कटिंग लिप. ठीक, कटिंग लिप. तो यहां पे आपकी कितनी कटिंग लिप है? दो कटिंग लिप है यहां पे आपकी. हाउ मेनी कटिंग लिप? टू. ठीक है, एक कटिंग लिप ये रही, एक कटिंग लिप ये रही और एक कटिंग लिप ये रही. यहां पे जो फ्लैंक है कितने हैं? टू. देखो एक फ्लैंक ये रहा और एक फ्लैंक होगा इस कटिंग लिप के पीछे, यहां पे इसके पीछे. यहां पे फेस कितनी होंगी? टू. एक फेस जो आप अभी देख रहे हो, ठीक है, एक फेस ये जो आप अभी देख रहे हो ये फेस, और एक फेस होगा इस फ्लैंक के पीछे. ठीक, अच्छा एक और बात, यहां पे जो लिप की लेंथ है, ये जो लिप की लेंथ है, ये जो देख रहे हो लिप की लेंथ, ये इक्वल होती है. ओके, इक्वल लिप लेंथ होती है, इक्वल लेंथ होती है आपके लिप की. ठीक, नेक्स्ट आता है यहां पे आपका पॉइंट. ठीक है, ये जो आप देख रहे हो नीचे, यहां पे
ये जो कोनिकल पोर्शन कहते हैं ना, इसे हम पॉइंट कहते हैं, जो नीचे की तरफ बना हुआ है, ये वाला, ये वाली चीज। तो मैं यहां बना रहा हूं, ये देखो कटिंग लिप, ये चीजल एज और ये कटिंग लिप। तो इस कोनिकल पोर्शन को हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। इस कोनिकल पोर्शन को हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। यस और नो, इस कोनिकल पोर्शन को हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? क्या इतना सभी को समझ में आ गया? यस और नो, यस और नो, यस और नो, प्लीज रिप्लाई, रिप्लाई करें। इतना सभी को समझ में आ गया है? गेट कॉप्स, मुझे लगता है आप लेट आए हो, क्योंकि कटिंग लिप समझा दिया मैंने, फ्लैंक समझा दिया मैंने, फेस समझा दिया मैंने, लिप लेंथ समझा दिया, इसका मतलब आप बीच में आए हैं गेट कॉप्स, ठीक है, इसका मतलब आप बीच में आए हो बेटा। हाँ तो कैसे समझ में आएगा बताओ, अब आप बीच में आए हो तो कैसे समझ में आएगा, जेन्युइनली बोलो, सही बात है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना नहीं समझ में आया, इसको रिकॉर्डिंग मोड पर देख लेना, है ना, आ जाएगा समझ में, ठीक। चलो देखो, अब आप बेटा इसका बॉटम व्यू दिखाने जा रहा हूं मैं। जब तुम इसको नीचे से देखोगे, ये रही तुम्हारी आंख, ये तुम इसको नीचे से देखोगे तो पता है, ये देखना, ये इस पोर्शन को तुम नीचे से देख रहे हो ऐसे। अब ये देखो गाइस, ये तुमने नीचे से देखा तो पता है क्या दिखा तुमको, ये तुम्हारा इस तरीके से टूल था, ये देखो इस तरीके से टूल था, है ना, इसको तुमने नीचे से देखा, तो ये जो नीचे तुमने देखा ये क्या है, ये वाला है तुम्हारा देखो फ्लैंक वन, और ये है तुम्हारा फ्लैंक टू। तो ये जो तुम देख रहे हो ना इंटरसेक्शन लाइन, ये जो तुम मुड़ी हुई लाइन देख रहे हो, ठीक है, ये जो लाइन है ये आपका चीजल एज है। चीजल एज क्या होता है? दो फ्लैंक का इंटरसेक्शन होता है, साफ साफ दिख रहा है, देखो वापस दिखा रहा हूं मैं, विजुलाइज करो उसको। ये इस तरीके से आपकी तरफ एक फ्लैंक था, आपकी तरफ एक फ्लैंक था, मेरी तरफ एक फ्लैंक था, तुमने इसको नीचे से देखा, ये देखो नीचे से देखा, ये आपकी तरफ फ्लैंक था और ये जो मेरी तरफ फ्लैंक था, तो यहां पे जो इंटरसेक्शन लाइन है इसे चीजल एज कहते हैं। ये क्या होता है? ये दो फ्लैंक का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, ये दो फ्लैंक का क्या होता है? इंटरसेक्शन, ठीक। अब देखो तुम इसको नीचे से देखने जा रहे हो, ये देखो, देखो एक फ्लैंक जो आपकी तरफ था, ठीक है, और ये फ्लैंक, ये फ्लैंक लेट्स से आपकी तरफ था, दिस इज फ्लैंक वन, और ये फ्लैंक जो मेरी तरफ था लेट्स से फ्लैंक टू। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, दिस इज व्हाट, दिस इज अ चीजल एज। चीजल एज क्या होता है? आपके दो फ्लैंक का इंटरसेक्शन, ये दोनों फ्लैंक की इंटरसेक्शन लाइन को क्या बोलते हैं गाइस? चीजल एज। बताइए समझ में आया या नहीं आया इतना, ठीक है, बताइए चीजल एज समझ में आया सबको, यस और नो, चीजल एज समझ में आ गया? अरे बताओ भाई, चीजल एज समझ में आ गया सबको, रिप्लाई, चीजल एज समझ में आ गया, ओके। देखो गाइस, पता ये क्या था? ये थी कटिंग एज, ये कटिंग एज थी, और ये फ्लूइड्स है, ये कटिंग एज है और ये फ्लूइड्स है, ठीक है, क्या यहां पे चीजल एज है। देखो वेब क्या होता है? कभी वेब का नाम सुना है आपने? वेब का नाम सुना है? देखो एक तो फ्लूट इधर है, एक फ्लूट इधर है, ये फ्लूट है, फ्लूट, फ्लूट मतलब आपका वही स्पेस, और एक फ्लूट यहां पर है जो आप ये देख रहे हो, ये रही फ्लूट, ठीक है, एक फ्लूट यहां पर है। तो इन दोनों फ्लूट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना बेटा, इन दोनों फ्लूट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे पता है क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेब। मतलब इन दोनों फ्लूट के बीच में आपका मेटल है, आपका क्या है यहां पे? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये मेटल है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों फ्लूट के बीच में है, फ्लूट नंबर वन और ये फ्लूट नंबर टू के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हो मेटल है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे वेब कहते हैं। इतना समझ में आया? अब वापस से तुम जरा इस मोड पे आ जाओ,
ये देखो फ्रंट व्यू पे आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना बेटा, आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, वेब की मोटाई हम बढ़ाते हुए जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, तो वेब की मोटाई हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ये चीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम इस वेब को जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हम इसकी जो थिकनेस है वो हम क्या करते हुए जाते हैं, इंक्रीज करते हुए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये कि इसको जब हम इंक्रीज करेंगे तो वेब तो होता है दो फ्लूट के बीच में स्पेस, इसका मतलब फ्लूट की जो कैविटी है, फ्लूट में जो इस तरीके की कैविटी है, वो कैविटी भी क्या होती जा रही है, उस कैविटी की डेप्थ भी क्या होती जा रही होगी, कम या ज्यादा। यस, रिप्लाई आपका यहां पर, वेब को जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ये वेब की जो मोटाई है इसको हम बढ़ाते हैं, ठीक है। जानबूझो, फिर लॉजिक बताऊंगा क्यों, व्हाई। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आप वेब की मोटाई को बढ़ाओगे, वेब की मोटाई को बढ़ाओगे मतलब फ्लूट के बीच में स्पेस बढ़ा रहे हो और मेटल ज्यादा भर रहे हो, तो आपके फ्लूट की जो कैविटी का डेप्थ है वो क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। वेरी गुड सौरव, वेरी गुड मोहम्मद मौसी, मोनीस, वेरी गुड। तो बेटा यहां कैविटी की डेप्थ कम होती जा रही है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इस वेब को क्यों बढ़ाते हैं, इस वेब की थिकनेस को इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि ड्रिल के टूल पे क्या लग रहा है, टॉर्शन लग रहा है, क्योंकि ड्रिल का टूल ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसके ऊपर इस तरीके से क्या लग रहा है, टॉर्शन लग रहा है, समझ रहे हैं, इस तरीके से टॉर्शन लग रहा है, तो टॉर्शन में कहीं फेल ना हो जाए इसलिए आप इस ड्रिल टूल को क्या देते हो, टॉर्शनल रिजिडिटी देते हो। बेसिकली टॉर्शनल रिजिडिटी तो नहीं बोलूंगा मैं, स्ट्रक्चरल टॉर्शनल रिजिडिटी किसी और फंडे से दी जाती है। हम ये कहीं फेल ना हो जाए तो हम इसको क्या देते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, हम इसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, हम इसमें सपोर्टिव मटेरियल ज्यादा लगा रहे हैं। तो यहां देखिए आपका जो वेब की थिकनेस बढ़ रही है ना, इससे आपके टूल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, साथ में इसकी रिजिडिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, स्ट्रक्चरली ये टूल क्या हो जाता है, और ज्यादा रिजिड हो जाता है। बोलो बेटा, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, समझ में आया कॉन्सेप्ट, समझ में आया जी, बोलिए बोलिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, ओके। अब थोड़ा ना एंगल की बात करते हैं, थोड़ा बहुत मैंने यहां पे टूल की बात, टूल के सरफेसेस की बात करी है, अब मैं ना इसके एंगल की बात करूंगा, ठीक है। देखो यहां पे जो हमारा एंगल है, एंगल यहां पे एक होता है हेलिक्स एंगल, आपने शायद सुना होगा हेलिक्स एंगल, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे पॉइंट एंगल की, फिर बात करेंगे लिप रिलीफ एंगल की, है ना, और फिर कुछ पॉइंट एंगल के स्पेसिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। चलो अब देखो हेलिक्स एंगल क्या होता है, गाइस ध्यान से देखना, हेलिक्स एंगल क्या होता है, आप जो लीडिंग एज है ना, ये लीडिंग एज, ये लैंड मार्जिन जो था, लैंड या मार्जिन, ये देखो ये जो लीडिंग एज है, इस लीडिंग एज से एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस लीडिंग एज से क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, और ड्रिल की ये एक्सिस है, ये क्या है, ड्रिल एक्सिस है जो मैं आप बना रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, मैं जो ये बना रहा हूं ये क्या है, ये ड्रिल की एक्सिस है। तो लीडिंग एज और ड्रिल की एक्सिस में जब आप एंगल देखोगे तो ये होता है हेलिक्स एंगल। और दिखाऊं, ध्यान से देखना, नजरें मत हटाना, जहां नजर हटी वहां दुर्घटना घटी, देखो ये, देखो ये दिख रहा है ड्रिल का टूल, दिख रहा है ड्रिल का टूल, ठीक दिख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। देखो ये ड्रिल का एक्सेस हो गया, ये ड्रिल का एक्सेस हो गया, सबको दिख रहा होगा, ये ड्रिल का क्या हो गया, एक्सेस हो गया। मैं इसको थोड़े दूसरे कलर से बना देता हूं, शायद दिख नहीं रहा होगा ये रेड कलर इसमें, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, ये ड्रिल का क्या हो गया, एक्सेस, येलो कलर दिख ही रहा होगा, ये देखो ये ड्रिल का क्या है, एक्सेस, ये ड्रिल का क्या है, यहां पे लेना पड़ेगा दूसरा कलर, ये देखो ये ड्रिल का क्या है, एक्सेस, यहां देखो आप ध्यान से देखो, ये ड्रिल का क्या है,
एक्सेस है ना, ये बिल का क्या है एक्सेस। अब देखो यहां पे जो लीडिंग एज है, लीडिंग एज बोले तो ये देखो जहां पे आपकी कैविटी खत्म होती है, यहां खत्म होती है, ये देखो यहां कैविटी खत्म हो रही है या यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रही है, यहां खत्म हो रही है यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रही है, यहां खत्म हो रही है यहां से शुरू होकर या तो यहां खत्म हो रही है। तो लीडिंग एज से आप एक लाइन बनाओ, लाइन बना दी, लीडिंग एज से आप एक लाइन बनाओ, बना दिया, देखो लीडिंग एज से आप एक लाइन बनाओ। अब लीडिंग एज का इंक्लिनेशन देखो आप इस ड्रिल की एक्सिस से, ठीक है, ये होता है बेटा आपका हेलिक्स एंगल। बोलो हेलिक्स एंगल का विजुअलाइजेशन समझ में आया, हेलिक्स एंगल दिखा क्या होता है कि लीडिंग एज का जो, या आप कह सकते हो मार्जिन या लैंड मार्जिन, लैंड का या मार्जिन का इंक्लिनेशन ड्रिल की एक्सिस से कितना है, वो होता है आपका क्या हेलिक्स एंगल। ये देखो 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 ये है हेलिक्स एंगल, ठीक है। ये यहां पे आपका लीडिंग एज था, ये फ्लूड था, यहां के खत्म हुआ और लीडिंग या आपने लैंड मार्जिन से लाइन डाली और इसको देखा आपने ड्रिल की एक्सिस से एंगल, तो ये क्या हो गया आपका हेलिक्स एंगल हो गया। बोलिए समझ में आया हेलिक्स एंगल, समझ में आ गया हेलिक्स एंगल। इसको कभी कभी हम स्पाइरल एंगल भी कहते हैं, स्पाइरल एंगल क्यों, क्योंकि इस तरीके से ये आपका हेलिकली जो घूम रहा है ना, सो समटाइम वी कॉल एज अ हेलिकल और स्पाइरल एंगल। ओके ओके चलिए, तो हेलिक्स एंगल हमको क्लियर हो गया। हेलिक्स एंगल की मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी, हेलिक्स एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लीडिंग एज या आप कह सकते हो लैंड या मार्जिन ऑफ द ड्रिल एंड द ड्रिल एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, हेलिक्स एंगल होता है, ठीक है। अब इसके ना कुछ यहाँ पर एप्लीकेशन है जो कि मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं ज्योमेट्री डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल हेलिक्स एंगल भी होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे साफ साफ आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, ये देखो ये है स्मॉल स्मॉल हेलिक्स एंगल या स्लो हेलिक्स एंगल, ये क्या है, ये है हाई हेलिक्स एंगल, ये है हाई या लार्ज हेलिक्स एंगल। तो स्लो हेलिक्स एंगल या हाई हेलिक्स एंगल का अलग अलग जगह एप्लीकेशन है, ठीक है, अलग अलग जगह क्या है इसका एप्लीकेशन है। तो भैया मैं एप्लीकेशन डिस्कस करूं, तो देखो मैं एप्लीकेशन डिस्कस करता हूं, ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करूंगा इसका एप्लीकेशन हेलिक्स एंगल का मैं। यस चलिए, तो वापस आते हैं, हेलिक्स एंगल अपने को यहां पे क्लियर हो चुका है। अब यहां पे हम आते हैं थोड़ा पॉइंट एंगल पे। आपने देखा था मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मैंने पॉइंट बोला था जो कोनिकल, ये जो प्रोफाइल होती है, ये जो कोनिकल प्रोफाइल होती है इसे पॉइंट बोलते हैं, है ना। ये तो हो गया था आपका कटिंग लिप, ये कटिंग लिप और ये नीचे वाला पोर्शन हो गया था चीजल एज, है ना। तो इस कोनिकल प्रोफाइल का जो एंगल होता है ना, ये कोनिकल प्रोफाइल का जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। दिस इज व्हाट, दिस इज पॉइंट एंगल दैट इज 2 बीटा। ओके, दिस इज पॉइंट एंगल 2 बीटा। समझ में आ गया सबको, ये जो कोनिकल प्रोफाइल आप देख रहे हो, ये कोनिकल प्रोफाइल का जो एंगल होता है ना, ये कोनिकल प्रोफाइल का जो एंगल होता है दिस इज व्हाट 2 बीटा, क्लियर। अब यहां पे मैं आपको समझाता हूं लिप रिलीफ एंगल। ओके, द नेक्स्ट एंगल इज व्हाट, लिप रिलीफ एंगल। अमित मौर्य सर, हेलो सर, गाइस आपके बीच में अमित मौर्य सर हैं, ही इज अ वेरी फेमस फैकल्टी ऑफ फिट मैकेनिक्स NHMT। चलिए, तो यहां पे मैंने आपको पॉइंट एंगल समझा दिया है ना। अब मैं लिप रिलीफ एंगल समझाने जा रहा हूं। आपको ये येलो कलर का शेड दिख रहा है सभी को, ये येलो कलर का शेड दिख रहा है, ये दिख रहा है येलो कलर, ठीक है। ये जो येलो कलर का आपको शेड दिख रहा है, मैं अगर यहां पे लेजर से इसको दिखाऊं तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये सबको दिख रहा है येलो कलर का जो आपका टेपर पोर्शन है, इसे फ्लैंक कहते हैं, याद है इसे आपने क्या कहा था, फ्लैंक कहा था। इस फ्लैंक का वापस से अगर दिखाऊं, जैसे देखो ये फ्लैंक है और ये सरफेस पे रखा हुआ है गाइस, ठीक है, ये सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये फ्लैंक आपके इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये जो सरफेस आप देख रहे हो ड्रिल की एक्सिस के परपेंडिकुलर है,
ये जो सरफेस है ये ड्रिल की एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। ये देखो मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूं, ये जो सरफेस है वो आपके ड्रिल की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, देख रहे हैं, ये आपकी तरफ फ्लैंक है, ओके, और ये सरफेस आपके ड्रिल की एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। अब यहां ये देखना है कि जो फ्लैंक है वो इस सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। ये जो सरफेस है फ्लैंक, ये आपके ये सरफेस जो कि ड्रिल की एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ड्रिल की एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ये फ्लैंक इस सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज व्हाट लिप रिलीफ एंगल, और सम टाइम वी कॉल्ड एज व्हाट अ क्लियरेंस एंगल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये जो फ्लैंक है इस फ्लैटेंड सरफेस से जो कि ड्रिल की एक्सिस से परपेंडिकुलर है कितना एंगल बना रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज लिप रिलीफ एंगल, और यू कैन से अ क्लियरेंस एंगल। इससे ज्यादा मैं आपको विजुलाइज नहीं करा सकता, अगर इसको भी आप विजुलाइज नहीं कर सकते तो ठीक है। तो लिप रिलीफ एंगल या क्लियरेंस एंगल क्या है, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन बिटवीन अ फ्लैंक एंड द लाइन नॉर्मल टू द ड्रिल एक्सिस। ये जो लाइन है ये फ्लैट सरफेस है जो कि ड्रिल की एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये आपका क्या होता है गाइस, रिलीफ एंगल होता है। बोलिए समझ में आया इतना, बोलिए ये रिलीफ एंगल समझ में आया, बताओ रिलीफ एंगल आप लोगों को समझ में आया, बताइए रिलीफ एंगल समझ आ गया आपको, बताओ, टाइप करना पड़ रहा है मेरे को भी। समझ में आ गया, ओके, चलो अब नेक्स्ट समझते हैं, है ना। पॉइंट एंगल मैंने आपको समझा दिया, पॉइंट एंगल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज आपको पता ही है ना, यहाँ पर आप सब लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर आपकी स्पेशल क्लास ले रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पर, अनअकैडमी प्लस पर स्पेशल क्लास जो कि सबके लिए फ्री है, है ना, सबके लिए फ्री है। और वहाँ पे आपका चल रहा है अभी इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल का मैंने एक चैप्टर यहाँ पे खत्म कर दिया है, ठीक है। मैं एक बार वापस से बता देता हूँ, जो हमारे न्यू व्यूअर साथ में आए हैं, मैंने यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल स्टार्ट किया है अनअकैडमी प्लस पर, ओके, अनअकैडमी प्लस पर स्पेशल क्लास के अंदर, ओके, स्पेशल क्लासेस के अंदर आपका मैंने यहाँ पे जो लॉन्च किया है वो किया है इंडस्ट्रियल, ओके, इंडस्ट्रियल जिसमें से आपका एक चैप्टर हो चुका है और वो क्या है आपका असाइनमेंट, ठीक है, ये आपका हो चुका है, आप वहां जाके देख सकते हो प्लस पर। और दूसरा भी जो चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये भी चल रहा है और वापस कंटिन्यू रिज्यूम होगा, ये अपकमिंग संडे से वापस से रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है, और कंटिन्यूस चलेगा। तो आप स्पेशल क्लास पे जाके देख सकते हो, मेरी प्रोफाइल में जाके आप स्पेशल क्लास में देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं पॉइंट एंगल की बात कर रहा था, तो पॉइंट एंगल मैंने अभी आपको बताया, जो पॉइंट एंगल होता है आपका, पॉइंट एंगल क्या था, इस तरीके से ये जो कोनिकल प्रोफाइल था इसके बीच में ये जो आपका एंगल था, दैट इज व्हाट, पॉइंट एंगल। अब इसमें अपने को याद करना है बेटा, बहुत क्वेश्चन आता है पॉइंट एंगल के पढ़ने के ऊपर, क्या कि जो पॉइंट एंगल है ना, ये जो पॉइंट एंगल है ये आपके वर्क पीस जिसकी आप मशीनिंग कर रहे हो ना उसके बेसिस पे इसको सेलेक्ट किया जाता है। माने तो अगर आप यहां पे पॉइंट एंगल, ठीक है, पॉइंट एंगल वर्कपीस की हार्डनेस और उसकी ब्रिटलनेस को देखते हुए, उसकी डक्टिलिटी को देखते हुए सिलेक्ट किया जाता है। जैसे अगर आपका वर्कपीस यहाँ पे हार्ड मटेरियल है, ठीक है, अगर आपका वर्कपीस यहाँ पे हार्ड मटेरियल है तो आपका पॉइंट एंगल भी क्या होगा, हायर होगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिक्स रहता है ये, इसका रीजन है पर अभी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर आपका वर्कपीस हाई स्ट्रेंथ का है, हार्डर है, तो पॉइंट एंगल क्या होगा, हाई, मतलब 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर आपका यहां पर वर्कपीस सॉफ्ट है, वर्कपीस क्या है, सॉफ्ट है, तो आप यहां पे जो पॉइंट एंगल लोगे वो लो पॉइंट एंगल लोगे, मतलब 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी, वो होगी आपकी कम। ये याद रहेगा सबको, ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है यहां से, ओके, 1 मार्क क्वेश्चन आपका यहां से हर साल किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा, जैसे जैसे आप पॉइंट एंगल को इंक्रीज करोगे, ठीक है, जैसे जैसे आप पॉइंट एंगल को अगर इंक्रीज करोगे ना, तो वैसे वैसे आपका थ्रस्ट फोर्स बढ़ेगा, ऑब्वियस है ना। आप पॉइंट एंगल को अगर ज्यादा बढ़ाओगे, देखो जरा, आप इस तरीके से
पॉइंट एंगल को देखो, पहले पॉइंट एंगल क्या था, ये था, ये पॉइंट एंगल था, देखो ये कम पॉइंट एंगल था, अब पॉइंट एंगल बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, तो ये ज्यादा बढ़ाओगे तो आपका जो ये सरफेस है इससे ज्यादा इसको क्या मिलेगा, थ्रस्ट फोर्स मिलेगा, ठीक है। दूसरा, ज्यादा भी नहीं बढ़ाते हैं, इतना कम बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसके पॉइंट एंगल को बढ़ाने से थ्रस्ट फोर्स तो बढ़ता है, बट इसके पॉइंट एंगल को बढ़ाने से कटिंग फोर्स कम होता है, ठीक है। जरा ध्यान देने वाली बात है, एक्सपेरिमेंटली है, तो आप इसको याद रखेंगे कि पॉइंट एंगल को इंक्रीज करने से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप यहां पे 2 बीटा को इंक्रीज करोगे, ठीक है, अगर आप 2 बीटा को इंक्रीज करोगे तो आपका जो कटिंग फोर्स है वो कम होगा, बट जो थ्रस्ट फोर्स है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। पॉइंट एंगल को बढ़ाने से आपका हार्ड मटेरियल में शार्पर पॉइंट चाहिए तो काम होना क्या कम, हार्ड मटेरियल में शार्पर, बेटा हार्ड मटेरियल में जो रिएक्शन फोर्स आएगी उसका क्या करोगे आयुष सचिन, जब आपका यहां पॉइंट एंगल कम कर दोगे तो सपोर्टिंग मटेरियल कम हो जाएगा, सपोर्टिंग मटेरियल की वजह से आपका ड्रिल का टूल फेल हो सकता है, ठीक है। और आप जो पॉइंट एंगल हाई करते हो, ठीक है, उसका फंडा ही यही होता है। अब देखो मेरे नीचे एक चीज लिखी है, एक बात बताओ आयुष, आपके हार्डर वर्क पीस को, आप सुन पा रहे हो तो मुझे जवाब देना, अगर आपका हाई स्ट्रेंथ का वर्क पीस होगा तो उसके लिए रिक्वायर्ड कटिंग फोर्स क्या लगेगा बताओ, अगर आपका यहां पर हाई स्ट्रेंथ का वर्क पीस है तो रिक्वायर्ड कटिंग फोर्स क्या लगेगा बताओ बताओ, अगर आपका वर्क पीस हाई स्ट्रेंथ का है, हार्डर है ना, तो रिक्वायर्ड जो कटिंग फोर्स होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां पे अननेसेसरी पावर कंजप्शन ज्यादा हो जाएगी, तो जब हार्डर मटेरियल होता है तो हम पॉइंट एंगल को बढ़ा देते हैं ताकि आपका कम कटिंग फोर्स में, ये देखो रिक्वायर्ड कटिंग फोर्स यहां कम हो जाता है, तो इस कम कटिंग फोर्स में आपका क्या होगा, कम कटिंग फोर्स में वो कट जाएगा, ठीक है, आपका रिक्वायर्ड कटिंग फोर्स ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हाई स्ट्रेंथ के अंदर देखो ज्यादा कटिंग फोर्स आएगा तो टूल के ऊपर रिएक्शन ज्यादा जाएगा, टूल के ऊपर रिएक्शन जाएगा तो आपका जो वर्क, आपका जो टूल है वो फेल हो सकता है। तो ये हुआ क्यों, हाई कटिंग फोर्स, उसकी वजह से टूल पे क्या गया, हाई रिएक्शन, ठीक। तो यहां पर अगर आप पॉइंट एंगल को बढ़ाते हो तो एक्सपेरिमेंटली यहां पर फैक्ट्स है, हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, पर रेक एंगल का नॉलेज चाहिए और वो अभी आपको है नहीं है, ठीक है। ड्रिल टूल का एक रेक एंगल होता है, अगर आपको यहां थोड़ा सा पता हो तो यहां पर मैं यहां पर अगर आपको बताऊं, क्योंकि अभी आपको यहां पर रेक एंगल, ड्रिल के रेक एंगल के बारे में नहीं पता, ठीक है। अब देखो यहां पे, ये देखो ध्यान देना, जरा ध्यान देना बेटा, देखो ध्यान देना, अगर आप 2 बीटा को इंक्रीज करोगे ना तो आपके ड्रिल टूल का भी अपना एक रेक एंगल होता है, रेक एंगल, ये रेक एंगल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आप 2 बीटा को इंक्रीज करते हो तो रेक एंगल क्या करता है, इंक्रीज। और मैंने थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग में पढ़ाया हुआ है, आप कई बार देखोगे भी अगर आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, तो अगर रेक एंगल आपका बढ़ेगा, ओके, रेक एंगल को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, अगर रेक एंगल इंक्रीज करता है तो इसकी प्रॉपर्टी है कि यह रिक्वायर्ड कटिंग फोर्स को क्या कर देता है, कम, रिक्वायर्ड कटिंग फोर्स आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिक्वायर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, कम। अब एक बात बताओ, तुम्हारे हाई स्ट्रेंथ के वर्क पीस को काटने के लिए फोर्स ज्यादा लगता, पर अब वो फोर्स क्या लगेगा, थोड़ा कम लगेगा, तो तुम्हारा हाई स्ट्रेंथ के वर्क पीस को काटने के लिए जो पावर बढ़ता, अब वो पावर कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, पावर कंजप्शन भी तुम्हारा कम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। हाँ, कटिंग फोर्स डिक्रीजेस, ठीक है, रिक्वायर्ड कटिंग फोर्स कह सकते हो। तो यहां पर अपना ये डिस्कशन रहा, और अब एक इंटरव्यू में बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रिल का टूल बनता कैसे है, ठीक है, आपका जो ड्रिल का टूल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि ड्रिल के टूल को कौन कौन सी विपरीत परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं।
कौन कौन सी मुसीबतें देखनी पड़ती हैं, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है कटिंग के दौरान, जिन मुश्किल परिस्थितियों से ड्रिल के टूल को गुजरना पड़ेगा, हम उस मुश्किल परिस्थिति में ड्रिल के टूल को क्या कर देंगे, परफेक्ट कर देंगे, ठीक है, उसे स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो समझते हैं, ठीक, अब समझना। यहां पे आपके ड्रिल के टूल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ड्रिल गया कटिंग करते हुए, ठीक, तो उसके ऊपर एक तो क्या लगेगा, थ्रस्ट फोर्स, यस और नो, कटिंग करते वक्त लगेगा उसके ऊपर क्या, थ्रस्ट फोर्स। ये देखो, इसका मतलब ड्रिल के टूल पे कंप्रेशन आ रहा है, ड्रिल के टूल पे क्या आ रहा है, कंप्रेशन। मतलब इस तरीके से जब उसके ऊपर कंप्रेशन फोर्स लगेगा, कोई लोड लगेगा, तो ये हो सकता है उस लोड में क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो पता है क्या किया जाता है, यहां पे आप जो इनिशियल सर्कुलर ब्लैंक लेते हो ना, ये जो आपने इनिशियल सर्कुलर इस तरीके का एक ब्लैंक लिया, ठीक है, ये इनिशियल सर्कुलर जो ब्लैंक लिया आपने, इसके ऊपर लगाया जाता है लोड, ठीक है, लोड बेसिकली इसका किया जाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब आप सभी लोगों को पता है कि रूम टेम्परेचर पर जब मैं इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करूंगा, मतलब चारों तरफ से इसके ऊपर हैमरिंग करूंगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करूंगा, तो आप मुझे बताइए, हाँ बेटा एफटी एफआरडी लगेगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ, इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है, ये कंप्रेशन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, ओके, क्योंकि यहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर रहे हो, यहां पे स्ट्रेन आएगा, तो यहां पे स्ट्रेन हार्डनिंग होगी, इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग हो गया, ये आपका टूल क्या हो गया, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आपका जो ड्रिल का टूल है, वो पता है कैसे फेल हो सकता है, आपके ड्रिल के ऊपर टॉर्शन भी आ रहा है, आपके ड्रिल के टूल के ऊपर क्या आ रहा है, टॉर्शन भी आ रहा है, क्यों, कटिंग फोर्स की वजह से। अगर हम इसको समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, हम अगर इसको समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ये देखो, इसका ड्रिल टूल का जो कटिंग एज है वो इस तरीके से है। अब ड्रिल टूल का कटिंग एज ऐसे था, ध्यान दीजिएगा, ड्रिल टूल का जो कटिंग एज था वो इस तरीके से था, है ना। अब यहां पर जब कटिंग फोर्स लगेगा, ये देखो ये था आपका जो ब्लैक कलर आप देख रहे हो, दिस इज कटिंग एज, दिख रहा है, और ये जो ग्रीन कलर का पेन आपकी तरफ है, ये अगर ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा तो एक कटिंग फोर्स लगेगा आपकी तरफ, और एक कटिंग एज है इधर, है ना, एक कटिंग एज है इधर, तो एक फोर्स लगेगा मेरी तरफ, ठीक है। तो ये दोनों कटिंग एज के ऊपर जो ये फोर्स लगा, मतलब इस तरीके से एक कटिंग फोर्स लगा आपकी तरफ इस एज पर, और एक कटिंग फोर्स लगा इस एज पर मेरी तरफ, ये रहा मेरी तरफ, तो ये ड्रिल टूल की एक्सिस के अबाउट क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्शन, ट्विस्टिंग, टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा। तो इस टॉर्शन से आपका ड्रिल का टूल क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। इस टॉर्शन से आपका ड्रिल का टूल क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो इस टॉर्शन में ड्रिल का टूल फेल ना हो तो हम क्या करते हैं, यहां पर नॉर्मल टेम्परेचर में इसके ऊपर इस तरीके से टॉर्शन देते हैं, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं, पल कपड़े निचोड़ोगे पूरा दम लगा के निचोड़ दोगे तो फट जाएगा, ऐसे ही इसको दम लगा के फेल नहीं करना है, इसको आपको ट्विस्ट करना है विद इन अ लिमिट, जिससे क्या होगा, जब आप इसको ऐसे टॉर्शन करोगे विद इन अ लिमिट, जैसे आपने यहां प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लगाया विद इन अ लिमिट, आपने जो लोड लगाया यहां पे विद इन अ लिमिट, तो ये कंप्रेशन में स्ट्रांग हो गया। अब आप इसके ऊपर लगाओगे ऐसे हल्का सा टॉर्शन विद इन अ लिमिट, तो ये टॉर्शन में क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। बोलो समझ में आया, जल्दी जल्दी बताते जाओ, समझ में आया, क्योंकि आपके और मेरे जाने का टाइम हो रहा है, ठीक। और इसके बाद हम ड्रिलिंग मिलिंग करने के बाद, इसके बाद हम क्या करते हैं, मशीनिंग से मिलिंग करने के बाद हेलिकल फ्लूड्स बना देते हैं, है ना, और फिर इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं हीट ट्रीटमेंट करके। तो गाइस, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, स्पेशल क्लास में भी आप आइए, वहां पे इंडस्ट्रियल चल रहा है, असाइनमेंट पूरा हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, तो आप आइए, आपको काफी मजा आएगा।
ठीक है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है वहां पर भी, जिस तरीके से आपको यहाँ पे मिल रही है ऐसे ही आपको वहां भी, है ना। ऑब्वियसली बेटा स्ट्रेन हार्डिंग होगी, क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करोगे सौरभ कुमार, तो स्ट्रेन हार्डिंग तो होगी ना, स्ट्रेन आएगा थोड़ा सा, ठीक है, डायमीटर डिक्रीज करेगा तो स्ट्रेन हार्डिंग तो होगी ना। आपने इनिशियल सर्कुलर ब्लैंक लिया था, ठीक है। और अब बोलो सौरभ कुमार, क्वेश्चन पूछ के कहां चला गया, स्ट्रेन हार्डिंग होगी तभी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और बैच शुरू हो चुका है, जैसे कि आप लोग सब लोगों को पता होगा बैच शुरू हो चुका है आपका, न्यू बैच है ना, आपका न्यू बैच शुरू हो ही चुका है। तो इग्नाइट बैच शुरू हो चुका है गेट प्लस ईएससी के लिए, ठीक है, गेट प्लस ईएससी के लिए इग्नाइट बैच शुरू हो चुका है 20 अप्रैल को मैकेनिकल के लिए। तो अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग करी है तो ज्वाइन करिए, ठीक है, और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू करिए, चाहे कहीं पे करें पर तैयारी शुरू कर दें। क्लियर गाइस, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, आई होप ऑल आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा ये। चलिए बाय।